भगवान के पास पहुंचा प्लास्टिक बैन का मामला, बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। जयपुर के रामगंज मंडी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने प्लास्टिक बैन को लेकर भगवान से अजीबोगरीब प्रार्थना की है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने देवी दुर्गा और भगवान हनुमान के आगे प्रार्थना की है कि जो व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उनके हाथ पैर तोड़ देना या फिर उनको बीमार कर देना। साथ ही उन्होंने ईश्वर से ये भी प्रार्थना की है कि जो लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते उनको धन धान्य देना। आप भी देखिए ये वीडियो। निरोगी रखना, स्वस्थ रखना। दोनों से मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसे लोग जो हैं जो पॉलिथीन का उपयोग नहीं करते हैं और जो गंदगी पसंद नहीं करते हैं या जो स्वयं स्वच्छता रखते हैं, ऐसे लोगों को निरोगी रखना, स्वस्थ रखना, उनको सामर्थ्यवान बनाना, समृद्धशाली बनाना और धन धान्य से उनके भंडार भरे रहें, ऐसा मैंने भगवान से निवेदन किया है। साथ में ये भी निवेदन किया है कि जो नहीं मानते कि पॉलीथीन का उपयोग किए बिना इस सब प्रयासों के बावजूद भी गंदगी से दूरी नहीं बनाते, जो गंदगी पसंद लोग हैं उनका नुकसान करना, उनको बीमार करना और उनका जितना बुरा कर सकते हो उतना करना, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मैंने भगवान से निवेदन किया है। और मुझे लगा अब ये थाक नहीं था, लेकिन जब मैं दोनों मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर रहा था तो मुझे हल्का सा ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे स्वीकृति दी हो कि हाँ ऐसा ही होगा।